तो दोस्तों यार आज का वीडियो यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार हम जानेंगे कैन यमेन की ऑल टीवी सीरीज के बारे में और कौन सी टेलीविजन सीरीज कैन यमेन की देखने को मिलेगी आगे 2021 और 22 में, और अंत में जानेंगे दोस्तों कि हिंदी डब हम लोगों को कब तक देखने को मिल जाएगी कैन यमेन की टीवी सीरीज। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और हां दोस्तों एक लाइक तो बनती है। तो दोस्तों यार पहली टीवी सीरीज हम लोग को देखने को मिली कैन यमेन की, गोनुल एस्लेरी नाम है इसका। ये 2014-2015 में रिलीज हुई थी और इसमें 28 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड यार 2 घंटे का पड़ता है। जहां तक दोस्तों बात करें कैन यमेन को यार साइड करेक्टर का रोल दिया गया था, लेकिन उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस को देख के यार सेकेंड सीरीज उनको मिली थी 2016 को, जिसका नाम यार एंजेना आस्क करके है। ये टीवी सीरीज दोस्तों 2015-2016 में रिलीज हुई थी। 32 एपिसोड देखने को मिलते हैं इसमें और हर एपिसोड 2 घंटे का पड़ता है। यार लगातार तीसरी टीवी सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था हैंगी मिस सेव मैटिक करके। ये 2016-17 में रिलीज हुई थी। इसमें 48 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड यार 2 घंटे का होता है। यार चौथी टीवी सीरीज हमको देखने को मिलती 2017 में डोनोल ने करके, और कॉमेडी रोमांस इसमें देखने को मिलता है। इसमें लगभग 26 एपिसोड है, 2 आवर 1 एपिसोड का पड़ता है। और जहां तक रेटिंग की बात करें IMDb में 6.7 मिला है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रिलीज हुआ था ड्रेड ड्रीमर, और इसके बारे में दोस्तों मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, आपको पता है दोस्तों। दोस्तों कैन यमेन की लास्ट जो टीवी सीरीज थी अभी की बाय एनलिस्ट करके थी, और जो 2020 में रिलीज हुई थी, इसमें 14 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। ये सारी टीवी सीरीज दोस्तों अपन को यूट्यूब में ही देखने को मिल जाती है, लेकिन तुर्किश लैंग्वेज में देखने को मिलती है। ओनली यार ड्रेड ड्रीमर ही हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। फाइनली दोस्तों कैन यमेन की आने वाली टीवी सीरीज के बारे में बात करें तो उसका नाम है यार सैंडोकैन। ये टेलीविजन सीरीज यार 1976 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन इसका सीक्वल बनने जा रहा है जिसमें यार कैन यमेन को रखा गया है। इसकी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो 1976 में आई सैंडोकैन में कबीर बेदी ने एक्टिंग की थी, जो यार इंडिया के बेस्ट एक्टर में से एक है। 1976 में रिलीज हुई इस सैंडोकैन इटालियन लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। इसमें यार फर्स्ट सीजन में 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें सैंडोकैन के बारे में कि यार हमको कब तक देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले बता दूं 22 दिसंबर को यार ये न्यूज़ आई है, मतलब 22 दिसंबर 2020 को। उसके बाद जो थोड़ी बहुत न्यूज़ आई है कि साइन हो गया है, और जो प्रोड्यूस कर रही है वो कंपनी लक्स वेज है। और जहां तक बात करी यार इटालियन लैंग्वेज में ये रिलीज होने वाली है, उसके बाद यार इसको तुर्किश और बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा। सैंडोकैन हम लोग को आखिर कब तक देखने को मिलेगी, तो यार इस साल के अंत तक हम लोग को देखने को मिल सकती है ये टीवी सीरीज, लेकिन अपडेट चेंज होती रहती है तो मैं आपको करते रहूंगा। और अगर कोई टीवी सीरीज आती है कैन यमेन की, तो यार मैं जरूर यार अपडेट आपको बता दूंगा। अब अगर दोस्तों कैन यमेन की टेलीविजन सीरीज जो तुर्किश लैंग्वेज में है वो हिंदी में हम लोग को कब तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि यार अभी फिलहाल के लिए ड्रेड ड्रीमर को यार हिंदी में डब किया जा रहा है MX प्लेयर द्वारा। और जहां तक बात करें यार MX प्लेयर में ड्रेड ड्रीमर की जो पॉपुलरिटी है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और यार कैन यमेन की यार बहुत ज्यादा फैंस बन चुके हैं। तो जैसे ही ड्रेड ड्रीमर खत्म होगा, तो यार जल्दी से जल्दी यार MX प्लेयर कोई ना कोई जो सीरीज है टीवी सीरीज उसको यार अपलोड करने की जरूर कोशिश करेगा कैन यमेन की। तो यार मैं कहूंगा अगर कोई भी अपडेट आएगी मुझे, तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है कि यार कौन सी हिंदी डब हो रही है, तो मैं जरूर यार आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए कोई भी यार अपडेट नहीं आई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार एक लाइक ठोक देना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि यार आने वाली कोई भी अपडेट आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।